हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल भाभी रसोई में। आज की हमारी रेसिपी बच्चों को टिफिन में देने के लिए बेस्ट रेसिपी है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन भुजिया ले लिया। आप किसी भी नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज बारीक कटे हुए, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, नमक एक चम्मच या स्वाद के अनुसार। आपस में अच्छे से चम्मच से मिलाते हुए चला लेना। हमें रोज सुबह यही टेंशन रहती है कि आज बच्चे को हम टिफिन में क्या दें, जिसे कि वो फिनिश करके आए और उसे पसंद भी बहुत आए। तो चलिए बनाते हैं। आटा ले लेंगे। अब हम इसकी एक तरफ तिल और मंगरेल, इसे एक तरफ लगाने से जितना देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तिल और अजवाइन को लोई पर डालने के बाद इसे हमने हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम आटा, सूखा आटा डाल लेंगे और इसे अच्छे से बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। इसे हमने बिल्कुल अच्छे से गोल रोटी की आकार में बेल लेना है। बेलने के बाद हम अब इसके ऊपरी परत पर घी लगा लेंगे। घी या बटर जो भी हो आपके पास, आप अच्छे से लगा सकते हैं। अब हमने जो स्टफिंग तैयार करी है उसे फैला लेंगे चारों तरफ अच्छे से। स्टफिंग डालने के बाद इसे हमने अब अच्छे से फोल्ड कर लेना है। एक एक परत उठा करके हमने इसे चौकोर शेप में फोल्ड कर लेते हैं। बच्चों को टिफिन में कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, वो एक ही तरह का खाना या नाश्ता खा करके बोर हो जाते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन्हें टिफिन में देने के लिए। अब इस पे अच्छे से पत्थर लगा लेंगे और हम चौकोर शेप में ही इसे बेल लेते हैं। चारों तरफ से इक्वली बेलने के बाद अब हम इसे सेक लेंगे। तब हम बटर डाल लेते हैं और इसे डाल करके दोनों तरफ से हमने इसे अच्छे से उलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक देख लेते हैं। तो लीजिए, बन करके बिल्कुल तैयार है झटपट बनने वाला, बच्चों को टिफिन में देने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी पराठा। आप सभी को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।